यूरोप की प्रमुख ऑटो ब्रांड रेनॉल्ट ने सोमवार को अपनी नई कम्पैक्ट एसयूवी स्पोर्टी स्मार्ट स्टर्निंग कार रेनॉल्ट काइगर कार की लॉन्चिंग किया। ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड आजमगढ़ शोरूम में किया समारोह के मुख्य अतिथि का स्वागत बुके देकर मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी इसरार ने किया। कार की लॉन्चिंग डीआईजी सुभाष चंद दुबे ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक विशेषरी कार है जो सुरक्षा के सभी मानों को पूरा करते हुए ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। समारोह को विशिष्ट अतिथि बजरंग त्रिपाठी, डॉक्टर सैफुद्दीन अदवी, सोनू सिंह रहे। आजमगढ़ के डायरेक्टर हाजी इसरार साहब ने बताया कि रेनॉल्ट काइगर की शुरुआत 5,45,000 है। रेनॉल्ट काइगर की बुकिंग ओपन है और कल से टेस्ट ड्राइव शोरूम पर शुरू की जाएगी। रेनॉल्ट काइगर डिलीवरी 3 मार्च से की जाएगी। रेनॉल्ट काइगर का सीधा मुकाबला हुंडई के वेन्यू और किया की सीनेट कार से है। नई कार की प्रति लोगों में अच्छा उत्साह देखने को मिला। गाड़ी की वेटिंग पीरियड 2 महीने से ऊपर चल रही है। इस अवसर पर पहली कार प्रथम ग्राहक प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर बजरंग त्रिपाठी को दी गई। उन्होंने बताया कि मैंने अब तक की रेनॉल्ट की 7 कारें ली हैं जिसे कभी भी धोखा नहीं दिया। समय से सफ़र को आसान करते हुए मंजिल तक पहुंचाया है। यह पूरी भरोसेमंद और मजबूत है। मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी इसराग ने सभी उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि सोमवार तक 23 कार बुकिंग की गई है। सभी उपस्थित अतिथियों का डायरेक्टर मोहम्मद हाशिम ने साल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डायरेक्टर हाजी अंसार अहमद, मोहम्मद जफर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद हातिम, नजीमुद्दीन, सचिन सिंह, उबेद खान, मोहम्मद उजैर फिरदौस आलम, संतोष राय, भगत चौहान, पुरुषोत्तम दास, राजेश वर्मा, साहबुद्दीन, नुमान अहमद, शहीद प्रधान आदि मौजूद रहे। इंडिया पावर न्यूज के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज की रिपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कोई भी बात, सड़क से लेकर सारी चीजें संरचनात्मक विकास को मजबूत करती है, मजबूत होता है तो ये देश की प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए एक बहुत ही सशक्त सोपान है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शोरूम के जो भी ओनर्स हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यक्रम को फेयरली लॉन्च किया है, ऐसे ही मेरी तरफ से हमेशा विश रहे बहुत अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से, लगातार सशक्त प्रतिस्पर्धा हमेशा अग्रगण्य रहे और जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको जो बाहर की बहुत सारी इस प्रकार की आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ उनको लोकल स्तर पर मुहैया कराने की